आज हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ाएंगे सतत आवेश वितरण और वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, तो आप कहीं जाना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और जिस तरह किसी भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, उस चैप्टर की नींव होती है, तो जब तक आप टॉपिक कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हर टॉपिक आपके लिए जरूरी होता है। इसलिए अभी आपके पास समय है, वक्त है, पूरा पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। चलिए मैं बताता हूँ सतत आवेश वितरण क्या है। लेक्चर नंबर 4 है बेटा, ध्यान रखना। और आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जरूर पीछे वीडियो को देख लेना, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 कर देख लेना। सतत आवेश वितरण क्या होता है? सतत आवेश वितरण, देखो मैं बता दूं, सतत का मतलब होता है लगातार, आवेश का मतलब होता है किसी वस्तु पर एक, यानी वह गुण होता है किसी पदार्थ का जो वस्तुओं को आकर्षित करता है, उसे आवेश कहते हैं। दूसरा बात करते हैं वितरण। वितरण माने बराबर रूप से बटा होना। तो सतत आवेश वितरण का मतलब होता है किसी वस्तु को दिया गया आवेश यदि किसी वस्तु पर समान रूप से वितरण है, प्रत्येक स्थान पर समान आवेश है, तो उसे बोलते हैं हम सतत आवेश वितरण। क्या बोलते हैं बेटा? सतत आवेश वितरण। चलिए, आपको आप सोच रहे हो परिभाषा कैसे लिखेंगे, चलिए मैं बता दूं परिभाषा कैसे लिखना है। परिभाषा भी मैंने आपके लिए, किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सतत आवेश वितरण। क्योंकि कोई भी वस्तु है, चाहे वस्तु पेन हो, चाहे वस्तु आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, यदि किसी रेखा पर आवेश है तो उसे रेखीय आवेश वितरण, किसी पृष्ठ पर है तो पृष्ठीय वितरण, और किसी आयतन पर है तो इसका मतलब है आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सतत आवेश वितरण के प्रकार पढ़ते हैं। सतत आवेश वितरण का मतलब है किसी वस्तु को दिया गया आवेश यदि किसी वस्तु पर समान रूप से वितरण है, उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सतत आवेश वितरण के प्रकार। सतत आवेश के वितरण के प्रकार जो होते हैं वो आपके वस्तु के आकार के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय, पृष्ठीय और आपका आयतनीय। तो मैं आपको बता दूं, वस्तुओं के आधार पर आपका परिचय करा दूं तो हम मान लेते हैं यह एक रेखीय वस्तु है और यह एक पृष्ठीय वस्तु है, क्षेत्रफल वाली है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और यह आयतन है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं 3 वस्तुओं, यानी वस्तुओं के आधार पर आवेश 3 प्रकार का। सतत आवेश वितरण, एक है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा है आपका आयतन आवेश वितरण। चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी रेखा पर एक समान रूप से आवेश वितरण हो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण, किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरण हो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तीसरा आयतन आवेश वितरण, यदि किसी पृष्ठ पर, यदि किसी आयतन में आवेश समान रूप से वितरण है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। चलिए इनको तीनों को हम डीपली पढ़ते हैं, यानी बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे, आयतन, पृष्ठीय और रेखीय आवेश वितरण क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, चलिए रेखीय आवेश वितरण पढ़ेंगे सबसे पहले। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण क्या है? रेखीय आवेश वितरण क्या है? किसी रेखा पर, जब कोई आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरण है उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। छोटी छोटी सी परिभाषा है मगर आपके लिए लिखी है, क्योंकि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप समझ सकते हैं। जब आवेश का वितरण किसी रेखा पर एक समान रूप से होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण तो पढ़ लिया, अब इसकी से मिलता जुलता जो टॉपिक है वो रेखीय आवेश घनत्व है, और रेखीय आवेश घनत्व के फॉर्मूला जो है वो आपके सेकंड चैप्टर में भी और पहले चैप्टर में भी उपयोग में लिया जाएगा। इसलिए
आपको जरूर जरूर इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है बच्चों? हंसते खेलते पढ़ते रहो बस एक लेक्चर फुल स्पीड के साथ। चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व हमने बताया सतत आवेश वितरण क्या होता है। देखो जब आवेश का वितरण किसी रेखा पर हो और समान रूप से वितरण हो तो उसे हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? घनत्व क्या है जानते हो? कमेंट में बताना। समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिख के रखना, ठीक है? यस, क्योंकि आपके जवाब से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारे हौसले से आपके लिए अच्छे कार्य बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, यस, इसी के साथ बढ़ते हैं। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होगा लैम्डा बराबर, क्या होगा भाई? लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। चलिए अब इसके बारे में हम पहले विस्तार से जानते हैं बेटा। क्या जानते हैं? विस्तार से जानते हैं कैसे, समझ लो। ये एक रेखा है और इस रेखा पर समान रूप से आवेश वितरण है, तो प्रति एकांक लंबाई में यानी dl लंबाई में dq आवेश है, dl लंबाई में dq आवेश है, यानी सूक्ष्म लंबाई में सूक्ष्म आवेश मौजूद है। सूक्ष्म लंबाई में सूक्ष्म आवेश इंक्लूड है, तो इसका मतलब यह है कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा समान होगी। यदि हम कोई समान आवेश वाली कोई रेखा लेते हैं और उसको हम जगह जगह से तोड़ते हैं या जगह जगह से एरिया लेते हैं तो प्रत्येक जगह पर प्रत्येक लंबाई में आवेश की मात्रा समान हो। अब देखो यहां तो मोटी है पतली है, मोटी है पतली है, नहीं चलेगा। यदि एक समान रूप से आवेश वितरण हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है बेटा? तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, यानी प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा बेटा? इसका मात्रक क्या होगा? देखो क्यू का कूलाम और लंबाई का मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर है, ठीक है बेटा? इसका मात्रक क्या है? कूलाम प्रति मीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक के लिए। अगला आपका क्या आएगा? रेखीय आवेश वितरण पढ़ लिया आपने, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ लिया। अब अगला लाइन में पढ़ेगा क्या? पृष्ठीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश घनत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपके सामने पृष्ठीय आवेश वितरण। हमने बताया पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। हमने मान लिया ये कोई कागज है, पृष्ठ है, लंबाई चौड़ाई है ना, लंबाई चौड़ाई है कागज की। यदि इसके प्रत्येक जगह पर आवेश कैसा है? समान, क्योंकि इस कागज की मोटाई बराबर है, क्षेत्रफल। अब प्रत्येक छोटे छोटे क्षेत्रफल में, प्रत्येक छोटे छोटे क्षेत्रफल पर यदि आवेश समान है, क्योंकि मोटाई ना मोटा है ना पतला एक समान है ना, यदि आवेश एक समान है तो इसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे लिख सकते हैं हम, जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि आपको लिखने में कोई समस्या हो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को जब भी आप भूलें तब तुरंत वीडियो देख लें, जिससे एक बार में आपको याद हो जाएगा। जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यस, बिल्कुल, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं अगला टॉपिक। क्या है भाई अगला टॉपिक? पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि हमने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, अब पृष्ठीय आवेश घनत्व भी पढ़ेंगे। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। और सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? चलिए पहले हम जान लेते हैं वितरण क्या है और घनत्व क्या है, उसके बाद मात्रा का फॉर्मूला बताएंगे। देखो बेटा, ये एक पृष्ठ है
और इस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर यदि आवेश प्रत्येक स्थान पर समान रूप से वितरण हो, कैसा हो, समान रूप से वितरण हो, तो उसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं उसे? पृष्ठीय आवेश वितरण। और किसी पृष्ठ को दिया गया आवेश यदि समान रूप से वितरण है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ये पहला टॉपिक हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण। घनत्व क्या होता है बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में, ये इतना क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो इसमें आवेश की मात्रा कितनी होगी? डी क्यू। यदि हम मान लें कि इतने क्षेत्रफल में फिर एरिया बराबर ले लेंगे तो आवेश कितना होगा? समान होगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल में यानी एक निश्चित क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। तो हम कह सकते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के, क्योंकि जो पृष्ठीय समान होगा उसी में पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? सिग्मा से। यदि इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए में आवेश की मात्रा डी क्यू हो तब पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, वो डी क्यू अपॉन डी ए, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसका मात्रक क्या बेटा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चलिए बढ़ते हैं, कम समय में ज्यादा की ओर बढ़ते हैं, तो कम समय में हम आपका ज्यादा ही कराएंगे, कम नहीं कराएंगे। ओके यस, आप ये नहीं कह सको कि सर हमारा समय ज्यादा चला गया, नहीं। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण क्या होता है? आयतन आवेश वितरण, हाँ, किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में, किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश की समान मात्रा को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण। चलिए अब इसमें आगे क्या है जानते हैं भाई। आयतन आवेश वितरण, जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जी हम बहुत देर से बता रहे हैं तुम्हें आयतन आवेश वितरण क्या होता है, है ना? आयतन आवेश वितरण के बारे में हम बता ही रहे थे आपको, ठीक है। चलिए दूसरा और जानते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। सर आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? किसी आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन में, देखो प्रति एकांक लंबाई होगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल होगा, प्रति एकांक आयतन में आवेश की समान मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे हमने मान लिया, कोई ये वस्तु है जिसमें समान रूप से कोई आवेश, वितरण है। क्या है? समान रूप से कोई आवेश वितरण है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश, ठीक है, हाँ, किसी संपूर्ण आयतन में प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में कोई आवेश भरा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? रो से। जैसे हमने मान लिया कोई निश्चित आयतन है और आयतन को किससे शो करते हैं? डीवी। और डीवी में आवेश कितना है? डी क्यू। कितना है? डी क्यू। सूक्ष्म आयतन में यदि सूक्ष्म आवेश है तो प्रत्येक जगह बराबर होगा बेटा, डीवी सूक्ष्म आयतन में सूक्ष्म आवेश, तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? रो बराबर आयतन आवेश घनत्व को कैसे शो करते हैं? रो से। रो बराबर होगा डी क्यू अपॉन डी वी, यानी सूक्ष्म आवेश बटे सूक्ष्म आयतन। आवेश का मात्रक कूलाम होगा और आयतन का मात्रक मीटर क्यू होगा, तो इसलिए हम आयतन आवेश घनत्व का मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यू। क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर क्यू। बस थोड़ा और चलते हैं, इसके बाद ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं जल्दी ही, ठीक है बच्चों? कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं।
वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? वैद्युत क्षेत्र मैं बता दूं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगने वाले बल का अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं। अब कैसे अनुभव करते हैं सुन लीजिए। जैसे चुंबकीय क्षेत्र जानते हो? नहीं जानते तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। कोई चुंबक रखी है और चुंबक के पास कोई छोटे छोटे लोहे के कड़ रखे हैं, तो चुंबक कितनी दूर के लोहे के कड़ खींच सकता है? जितनी चुंबक की क्षमता होगी, यानी चुंबक के आसपास का जो एरिया जितनी क्षमता होगी उतनी ही दूर का खींच सकता है। और चुंबक किसी लोहे पर आकर्षण बल लगा सकती है, वो सारा एरिया, ये सारा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र यदि कोई अन्य आवेश रख दिया जाए तो उस पर एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। क्या करता है? वैद्युत बल का अनुभव करता है। वह क्षेत्र आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र। चलिए कोई बात नहीं, आगे लिखे हुए देखते हैं हम किस प्रकार। ठीक है जी हाँ हाँ वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव। क्या होता है भाई? कोई आवेश क्यों है और उसके चारों ओर का क्षेत्र है और जिसमें अन्य आवेश और आ जाए तो मालूम पड़ जाता है कि उस पर एक बल काम कर रहा है, उस पर एक बल लग रहा है जिसे वैद्युत प्रभाव कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत प्रभाव, क्योंकि वैद्युत प्रभाव के कारण ही उस पर बल लगता है। चलिए यस इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और वैद्युत बल रेखाएं दोनों एक ही बात है। तो वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित स्वतंत्र धन परिक्षण आवेश गति करता है। चलिए मैं एक चित्र के माध्यम से बताता हूं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। देखो एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, ठीक है हाँ। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इससे कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा है। अब ये आवेश है तो भाई इस आवेश के चारों ओर क्या होगा भाई? इसके आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा और यदि इस पर कोई परिक्षण आवेश यानी बहुत सूक्ष्म आवेश इसके पास रखा है तो इस पर एक बल लगेगा। क्या लगेगा? बल। और जो इस पर बल लगेगा और ये परिक्षण आवेश की एक गति को एक परिक्षण आवेश के एक वक्र को निर्धारित करती है या ये बनाती है उसे हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो देखो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। धन आवेश से निकलकर किस पर समाप्त हो जाती है? ऋण आवेश पर। तो हम कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं होती है। निष्कोण क्यों कहते हैं? क्योंकि तो अविलंबवत तो निकलती है, बाकी वत कोई निश्चित कोण पर नहीं है, बिना कोण पर है। और ये वक्र रेखाएं हैं। कैसी हैं ये वक्र रेखाएं? तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी भी हो सकती हैं, सीधी भी होती है और वक्र भी होती है, दोनों होती है बेटा। तो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित स्वतंत्र धन परिक्षण आवेश गति करता है। क्योंकि जो यहाँ पर कड़ जाता है तो ये आवेश कोई भाई कोई रस्सी थोड़ी नहीं भेज रहा है, ना कुछ भेज रहा है। तो इस पर जो चुंबक की तरह बल लग रहा है ये इस पर एक धन परीक्षण आवेश गति करता है और ये धन परीक्षण आवेश इतना सूक्ष्म होता है जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। चलिए बच्चों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण? आपका लास्ट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है भाई? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं ठीक। पहला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है ठीक है, क्योंकि धनावेश से निकलेंगे और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है। खुला वक्र क्या होता है भाई? खुला वक्र और बंद वक्र के मतलब जानते हो? खुला वक्र और बंद वक्र। देखो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं
चुंबक के अंदर से भी गुजरती हैं, और जबकि वैद्युत बल रेखाएं चुंबक के वो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंदर से नहीं गुजरती हैं, इसलिए ये खुला वक्र बनाती हैं। और आप जाना नहीं, मैं ही बताता हूं कि बंद वक्र क्या होता है, खुला वक्र क्या होता है, वो जरूर सीखना। ठीक है, अगला टॉपिक, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु से दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तीसरा, चौथा हो गया, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ अविलंबत उत्पन्न होती है, चाहे निकलने को कैसे भी हो अविलंबत उत्पन्न होती है और अविलंबत ही समाप्त होती है। ठीक है, उसके बाद वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती है, किसी चालक से होकर नहीं गुजरती। चलिए इन पांचों का मीन समझते हैं। वैद्युत बल रेखाएं प्रारंभ, देखो ये है धनावेश और ये ऋणावेश, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। क्या होती है बेटा? ऋणावेश पर समाप्त होती है, तो इन्हें बोलते हैं हम वैद्युत बल रेखाएं। तो पहला गुण है धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है, देखो जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र है माइनस और जी हो गया, तो प्लस से निकलकर माइनस पे गई, प्लस से निकल के माइनस पे गई, चुंबकीय बल रेखाएं होती तो वो अंदर भी जाती चालक के अंदर, और चालक के अंदर जाती तो ये बंद वक्र बन जाता है, लेकिन आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये अंदर नहीं जाती है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसलिए ये खुला वक्र बनाती है, क्योंकि अंदर से जाकर ये बंद नहीं होती है। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं या दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती वैद्युत क्षेत्र की। चलिए, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ अविलंबत उत्पन्न होती है, अविलंबत समाप्त होती है, जैसे कोई आवेश प्लस क्यू है, तो इससे वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसी निकलेंगी? अविलंबत निकलेंगी। कैसी निकलेंगी? अविलंबत निकलती है। ठीक है, हाँ, अब जैसे दोनों दे रखा है प्लस और माइनस, तो हम कह सकते हैं निकलने को अविलंबत ही निकलेंगी, बाद में वक्र हो जाएंगी, है निकलने को अविलंबत है, निकलेंगे अविलंबत बाद में वक्र हो जाएंगी, और ये क्या होगा भाई, अविलंबत उत्पन्न होती है, अविलंबत ही समाप्त होती है। अगला लास्ट टॉपिक का लास्ट लाइन है आपकी, वैद्युत बल रेखा किसी चालक से होकर नहीं गुजरती। चालक का मतलब है कोई भी चालक तार है, कोई भी आवेश है, कोई भी चालक तार है, तो वैद्युत बल रेखा किसी चालक के अंदर से नहीं गुजरती है, चालक के अंदर से नहीं गुजरती है, ये मेन पॉइंट है, और चालक के अंदर से नहीं गुजरती है, इसीलिए इसीलिए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? खुला वक्र बनाती है। ठीक है, और इसी प्रकार थैंक यू फॉर पूरी वीडियो को देखने के लिए, पूरी वीडियो को जरूर देखना, और पूरी वीडियो देखोगे तो भाई इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे डेली लेक्चर के साथ, और इस बार पहली बार किसी यूट्यूब चैनल पर फ्री कोर्स मिल रहा है, फ्री वीडियोस भी, फुल कोर्स भी फ्री मिल रहा है, जिसमें आपको जहां आपको फीस देकर पढ़ना पड़ता है, और हमारे यहाँ क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, बस किस लिए कि आपके सामने आपके लिए हम बना रहे हैं पहली बार, तो चाहते हैं कि आप हमारा हौसला बढ़ाएं, और इसी प्रकार कोर्स पढ़कर हमारे पिछली बार भी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, तो मैं चाहता हूँ आगे भी अच्छा स्कोर करते रहेंगे, और जरूर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में हमारे बच्चा जरूर होगा, और मैं बाद में नहीं बताता हूँ कि बच्चा मेरा है, मैं पहले बता देता हूँ एग्जाम से पहले कि ये बच्चा टॉपर करेगा, ये बच्चा हमारा आएगा, स्थान आएगा, मैं पहले से ही बता देता हूँ। आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी, तो बच्चों को एग्जाम से पहले दिखा दिया कि ये बच्चे हमारे सफल हैं और अच्छे हैं, और उन्होंने अपने तहसील में अपना नाम रोशन किया है, और आगे चल के डिस्ट्रिक्ट वगैरह में हमारा एक बच्चा है अभी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब एक नंबर से जो भी चुका है, तो आगे ऐसा भी नहीं होगा, आगे भी बहुत अच्छे से स्कोर लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।